हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रांसलेशन हिंदी इंग्लिश में। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस होता है काल, समय। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट, वर्तमान काल। दूसरा पास्ट, भूतकाल। और तीसरा होता है फ्यूचर, भविष्यकाल। इनके चार चार प्रकार होते हैं। ये टोटल 12 प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहला होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें ता है, ती है और ते हैं। इसमें एसईएएस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें रहा है, रही हैं और रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस टाइम, समय। नेक्स्ट है हमारा पास्ट भूतकाल। पहला होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें था, थी, थे लगाएंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड आता है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। नेक्स्ट होगा हमारा पास्ट परफेक्ट, जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें रहा था, रहे थे, रही थी। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, प्लस टाइम, मतलब समय। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर, मतलब भविष्यकाल। इसमें पहला होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, गा, गी, गे। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और सेल का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट होगा हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। नेक्स्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी और सेल बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। नेक्स्ट होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुकेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें आईएनजी लगाकर, और इसमें टाइम जरूर लगाएं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट को लेकर और डिटेल में जानने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।